तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। अगर आप एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो गाइस हर कोई भी प्लेटफॉर्म या किसी भी काम को आदमी में करने की अगर जिज्ञासा हो, अगर उसके अंदर हुनर है तो वो कहीं भी सक्सेस हो सकता है। जैसे देखिए आज मुझे घर नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं ये बैकग्राउंड देख सकती हूँ, ऐसी जगह ही मैं आज वीडियो शूट करने के लिए बैठ गया। क्यों? मुझे अपनी ऑडियंस के लिए जानकारी अभी देनी है तो देनी है ताकि मेरी ऑडियंस को भी फायदा हो। तो गाइस आज के दौर में आपका एक यूट्यूब चैनल था तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आपका जो यूट्यूब चैनल पर है वो व्यूज डाउन हो रहे हैं। तो वो व्यूज क्यों डाउन हो रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल इसकी मत करना गाइस। तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है उस पर भी जो है व्यूज डाउन हो गए हैं और आपको भी इसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। आपके भी जैसे 2000 3000 4000 1500 सब्सक्राइबर हैं, पहले अच्छे व्यूज आते थे लेकिन अब जो व्यूज रुक गए हैं तो वो कैसे रुक गए हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस दो ट्रिक के वजह से ही आपके जो व्यूज हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में आपको फुल डिटेल जानकारी मिलने वाली है। कोई गाइस मैं बड़ा यूट्यूबर जो आपको धोखे में रखते हैं, मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा, आपको क्लियरली यही बताऊँगा। आप मुझे कॉमेंट में बताना आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आपके जो चैनल पर वो व्यूज है वो क्यों कम हुए हैं, किस कारण कम हुए हैं, ये जानकारी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आपका यूट्यूब चैनल है और आप किसी की भी वीडियो को देखकर मतलब अपने चैनल में छेड़ाछाड़ी कर लेते हो क्रोम में जाकर, अब ये ज़्यादा स्कोप चल रहा है कि कुछ यूट्यूबर जो है बता रहे हैं कि अपने चैनल में ये वाले टैग ऐड करो और ये वाले टैग नहीं ये वाले टैग ऐड करो। अगर आप ऐसा भी कुछ करते हैं तब भी आपके जो चैनल में हैं वो मतलब व्यू जब आप छेड़ाछाड़ी करोगे तो उस पर जो व्यूज बहुत ही कम आने लगेगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर किसी की भी वीडियो देखते हैं तो अपने चैनल में छेड़ाछाड़ी कभी नहीं करनी चाहिए क्रोम में जाकर, उससे आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ता है कि बहुत ही गलत प्रभाव देखने के लिए मिलता है आपके चैनल पर, आपका चैनल डेड भी हो सकता है। इसी कारण से ही आपके व्यूज आने रुक जाते हैं, मतलब जब आपका चैनल एल्गोरिथम में सेट हो जाता है और आप छेड़ाछाड़ी करते हैं तो आपके चैनल पर व्यूज रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा। ये एक कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी कोई छेड़ाछाड़ी करी होगी जब भी जो है आपकी जो चैनल पर व्यूज है वो आना कम हो गया है। और दूसरा तरीका ये है जैसे आप वीडियो अपलोड पहले जो है शाम को करते थे लेकिन अब आप कोई से भी टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, मतलब आपका कोई टाइम नहीं है, कभी आज 2 बजे कर दिया, कल 3 बजे, परसों 12 बजे, तो जो आपको जो चैनल की ऑडियंस होती है तो वो क्या सोचेगी कि ये तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना वो यूट्यूब सही तरीके से नहीं भेज पाता है। उसका कारण भी होता है कि हमारे जो चैनल पर व्यूज है वो बहुत ही कम आता है। तो ये भी जो दो ट्रिक है ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है चैनल डेड होने में। अब गाइस आपको क्या करना है, आप एक यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं तो आपको जो वीडियो चैनल डेड ऐसा होता है, जैसे आप कभी टैग कैटेगरी की वीडियो डाल देते हैं, कभी ब्लॉग की वीडियो डाल देते हैं, तो जो सब्सक्राइबर आपको ब्लॉग से मिलेगा वो आपकी जो टैग कैटेगरी की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, और जो सब्सक्राइबर टैग कैटेगरी से मिलेगा वो आपकी ब्लॉग वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए आपके चैनल पर वॉच टाइम नहीं मिलेगा, वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो आपका जो चैनल है वो डेड हो जाएगा। यही कारण है कि आपके चैनल पर जो है कम व्यूज आते हैं। तो 3 कारण हो चुके हैं, अब आपके 2 जो मेन कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। आपको वीडियो को जरूर पूरा फुल वॉच करना और कॉमेंट में बताना आपने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या छेड़ाखानी करी है, क्या छेड़ाखानी नहीं करी है जिससे कि आपके व्यूज कम हो गए हैं। तो गाइस आपके जो 2 मेन मुद्दे के होते हैं कि आपको काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते, मिक्स कंटेंट आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिक्स कंटेंट जो है यूट्यूब पर नहीं अपलोड करना है। अगर आप ब्लॉग की वीडियो डाल रहे हैं तो केवल ब्लॉग ही अपने चैनल पर अपलोड करें, अगर आप टैग कैटेगरी की कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो टैग ही मतलब मिक्स कॉन्टेंट ना डालें। अगर आप एक कंटेंट पर काम करोगे तो आपको 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका चैनल फाइनली ग्रो होने लगेगा। तो गाइस अब मैं काफ़ी सारे क्रिएटरों को देख रहा हूँ जो छोटे छोटे क्रिएटर मतलब इनके 100 200 300 400 सब्सक्राइबर हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर के देख कर के 2 मिनट में अपनी वीडियो वायरल करो, 3 मिनट में वायरल करो, 24 घंटे में चैनल वायरल करो,
तो गाइस ऐसा हमारी कोई सेटिंग ऐसी जो है नहीं होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, पसंद आता है ऑडियंस को, तो उस पर क्या वॉच टाइम आएगा, वीडियो को पूरी वॉच करेगा वो, उससे क्या है कि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि इस वीडियो में दम है, तो वो आपकी वीडियो को जो वायरल करेगा। तो ये किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता होता है कि हमारी जो वीडियो वो कब वायरल होगी और कौन सी वायरल होगी। तो गाइस आपको एक बेनिफिट क्या मिल सकता है कि आप जिस यूट्यूबर की वीडियो देखें, लाइक कमेंट करने में कोई पैसा नहीं जाता है। आप जरूर किसी जिस कोई पसंद करते हैं, चाहे ये मेरी वीडियो हो, अगर आप लाइक या कमेंट इसमें करते हैं, तो अगर ये वीडियो मेरी वायरल होती है, मान लो 10,000 या 50,000 व्यू जाता है, तो इसके एल्गोरिथम में क्या है कि आपका जो कमेंट है वो चैनल लिंक हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो वायरल होगी तो आपका भी जो चैनल है वो उस पर, मतलब एल्गोरिथम में जब सेट हो जाएगा तो उस पर भी व्यूज आ जाएगा। तो आपको क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी यूट्यूब पर बनाए रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। इस पर बहुत पैसा है यूट्यूब पर, लेकिन आप वर्क करते रहो, करने का जुनून है तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे यूट्यूब पर। लेकिन कोई भी छेड़ाछाड़ी अपने ना कैटेगरी चेंज करें ना कुछ। अब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो व्यूज के चक्कर में आपको कहते हैं कि अगर आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे तो ये टैग नहीं, ये वायरल टैग डालो, ये टैग नहीं, ये टैग डालो। ऐसा कुछ नहीं होता है उनकी। अगर वो ऐसा होता तो अपनी हर वीडियो पर 10 मिलियन या 50 मिलियन, मतलब डिजिट तो और भी होता है उनकी वीडियो पर, 20,000 या 50,000 व्यूज आकर क्यों रुक जाता है। तो ये आपको चूतिया बनाते हैं, आपका चूतिया काटते हैं कि ये ट्रिक लगाओ, व्यूज बढ़ाओ। अगर उनके 50,000 व्यूज आते, मतलब आ रहे हैं एक वीडियो पर, तो वो हर वीडियो पर मतलब 50,000 या 10 लाख, 20-50 लाख बढ़ा सकते हैं ना। ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों ट्रिक वो अपना नहीं लगाते, मतलब ऐसा झूठ बोल बोलकर आपको चूतिया बनाते हैं और बॉस टाइम आ जाता है और उनके चैनल पर व्यू जाते हैं। आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जिनके 6 मिलियन या 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके व्यूज़ कितने आते हैं, 7 मिलियन तो नहीं आते ना, कम ही आते हैं, 20,000, 30,000, 25,000। अगर वो ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, अगर फाइनली ऐसा ट्रिक होता YT स्टूडियो में, तो उनकी हर वीडियो मिलियन में जाती। क्यों नहीं जाती उनकी हर वीडियो मिलियन, क्योंकि ये किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता होता कि हमारी कौन सी वीडियो, तो कोई भी यूट्यूबर देख लो, उसे ये नहीं पता होता कि मेरी कौन सी वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आएगा। तो गाइस मेरा जो है 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मेरे 1-2 चैनल और भी हैं जिन पर मैं नए नए चैनल बनाकर ये देखता हूँ कि किस चैनल पर क्या करने से चैनल डेड होता है, और एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, छोटा आपका चैनल है, वीडियो वायरल नहीं होती, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें और रेगुलर काम करें, और आपको मिक्स कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कभी मत करना, और किसी की बातों में मत आना कि ये सेटिंग ऑन करो, ये सेटिंग ऑन करो और आपका जो चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सेटिंग नहीं होती है, वो केवल व्यूज के चक्कर में आपको चूतिया बनाती है। मतलब उनके 1 मिलियन कोई भी क्रिएटर देख लो, उसके सब्सक्राइब देखना पहले कितने हैं, फिर उसके चैनल की पॉपुलर वीडियो देखना, 6 मिलियन है, 4 मिलियन है, 2 मिलियन, 1 मिलियन होगी, लेकिन जिस वीडियो को वो अपलोड करते हैं 1 महीना होते हैं, उस पर 1 मिलियन व्यूज क्यों नहीं जाता। अगर उनके फाइनली कोई उनकी उस बाइक स्टूडियो में सेटिंग है वो आपको बताते हैं, तो मतलब उनके भी तो उस वीडियो पर मिलियन व्यूज जा सकते थे और लाख रुपए कमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो हमारी वीडियो को वायरल कब कराता है, जब हमारी वीडियो पर वॉच टाइम अधिक आएगा। आपकी जो वीडियो वो जब भी वायरल होगी, जब उसका जो है वॉच टाइम अच्छा मिलेगा, मतलब व्यूवर आएगा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, कोई सेटिंग ऐसी वगैरह नहीं होती। अब ये ट्रेंड में चल जाएगा बाइट स्टूडियो की, ये सेटिंग ऑन करो और व्यूज बढ़ाओ। अगर ये सेटिंग होती तो जो लोग बताते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर जो 10,000 या 3,000 वीडियो चलकर रुक जाती है, उसमें मिलियन व्यूज क्यों नहीं आते। तो गाइस मैं तो किसी भी क्रिएटर को ले लेता हूँ, जैसे अगर वो ये बता रहे हैं, ये फॉर्मूला बताते हैं कि इतने व्यूज बढ़ाओ और ये ट्रिक करो और लाखों व्यूज बढ़ाओ, तो लाखों व्यूज उनकी वीडियो पर क्यों नहीं आते। आपको कुछ नहीं, उनका टाइम देखना, वो कितने टाइम से जो है यूट्यूब पर वर्क करते हैं। गाइस उनका चैनल भी ना, जब वो पुराने होते हैं तो 2-2 साल में उनकी वीडियो को चलना स्टार्ट हुआ था। जैसे कोई भी चीज़ है, आप अगर इंटर करना चाहो तो इंटर के 1 दिन में कर लोगे, मैं कह दूँ कि 1 दिन में इंटर कर लोगे तो कर लोगे क्या। कोई अगर कह दे, कोई मतलब इंजीनियर कह दे या मतलब IAS कह दे कि 1 दिन में इंटर हो जाएगा, नहीं होगा ना। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको क्या है, 1 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो कोर्स होता है उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपको पेपर भी देने होंगे, पेपर के देने के बाद उसकी तैयारी भी आप करोगे, फिर आपको उसका मतलब कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट आता है, फिर आपका फेस और मतलब पास और फेल का निर्णय होता है कि आप फेल हैं या पास हैं। तो ऐसे यूट्यूब है, आपको समझना है, आपको एक तरीका सीखना है कैसे यूट्यूब पर वर्क करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हम ग्रो हो पाएंगे, और
डेली अगर किसी भी कार्य को आप करते हो, कोई भी ए टू जेड कोई भी वर्क ले लो, अगर आप डेली निरंतर करोगे तो एक दिन जरूर उस पर सक्सेस होगे। तो गाइस इस वीडियो पर मेरा बनाने का नीचे यही है कि व्यूज क्यों डाउन होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, एल्गोरिथम चेंज होता रहता है यूट्यूब पर और सभी के व्यूज में ये सभी के यूट्यूब चैनल पर ये देखने के लिए मिलता है कि हर किसी के व्यूज मतलब कंपलसरी, जैसे 10 लाख आ रहे हैं तो 10 लाख नहीं आते हर महीने में, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को मेरे को टेक्निकल BK9 को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना जो है 1.5 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर वर्क करते करते, जिसके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस आप सेटिंग के चक्कर में ना पड़े, सेटिंग के चक्कर में आप पढ़कर क्या करते हो कि अपने चैनल की ऐसी तैसी मान लेते हो, उस पर व्यूज तो क्या फिर चैनल रेडी हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, किसी की बातों में आकर अपने चैनल पर जो गड़बड़ी नहीं करनी है, अपने कंटेंट पर ध्यान दो, रेगुलर काम करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना आपने अपने चैनल पर क्या छेड़छाड़ी करी है किस यूट्यूबर की वीडियो देखकर, या आप किसी यूट्यूबर को पसंद करते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।